वैकोह का तहसील भिलाई जिला दुर्ग में स्थित विवेकानंद नगर कॉलोनी में स्कूल तथा गार्डन की भूमि को अवैधानिक रूप से प्लॉटिंग कर विक्रय किए जाने की शिकायत लेकर पहुंचे समिति के पदाधिकारी। भिलाई की विवेकानंद नगर कॉलोनी के पदाधिकारियों ने सोमवार को जनदर्शन में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने भूमि विक्रेता द्वारा निर्मित लेआउट में प्राइमरी स्कूल एवं गार्डन के लिए विधिवत जगह छोड़ी गई थी, जिस पर अब वर्तमान में विक्रेता चरण सिंह के वारिसाना मंजीत सिंह के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इनके द्वारा गार्डन में प्राइमरी स्कूल के लिए सुरक्षित रखी गई भूमि को भू माफियाओं के साथ मिलकर विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे लेकर समिति के लोगों ने न्यूज टीम के समक्ष इस तरह की जानकारी दी। सर, ये क्या है कि जो हम लोग विवेकानंद नगर कॉलोनी के निवासी हैं, वहाँ पे जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उसका प्लॉटिंग किया था, उसने वहाँ पे करीब करीब 0.3 हेक्टेयर भूमि मतलब उसके लिए छोड़ा था कि आपका गार्डन के लिए और स्कूल के लिए, है ना। वो तीन चार लोगों के बाद बिक चुका है अभी तक में, एक के बाद में अब जो लोग हैं वहाँ पे प्लॉटिंग शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई ये हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। इसका मतलब भाई हमें ये कहा गया है कि एक गार्डन की ज़मीन है और वो गार्डन को देख करके हम लोग आसपास के लोगों ने प्लॉट ख़रीदा और आज वो उसको वो लोग बेच रहे हैं, है ना। तो ये हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर गार्डन बने और स्कूल बने। इसके लिए हम लोगों ने ये आवेदन अभी कलेक्टर साहब को दिया है कि जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम हो रहा है उसको रोका जाए, पर रुकवा करके उसको वहाँ पे गार्डन और स्कूल का निर्माण करवाया जाए शासन द्वारा। कॉलोनी के रहवासियों के द्वारा एक शिकायत दी गई थी कि वहाँ पे जो गार्डन और स्कूल के लिए ज़मीन सुरक्षित रखी गई थी उसको भू माफिया के द्वारा बेच दिया गया है। अभी वहाँ पे प्रेजेंट में कंस्ट्रक्शन चालू है। मज़ेदार बात यह है कि उस कॉलोनी के जागरूक नागरिक इतने बार यहाँ पे कलेक्टर महोदय को जनदर्शन में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन भिलाई नगर निगम उन भू माफियाओं के साथ उनको संरक्षण प्रदान करते हुए उस जनदर्शन के कॉल को क्लोज कर देता है कुछ भी गोलमोल जवाब दे करके। अभी कलेक्टर मैडम से बात हुई, एडिशनल कलेक्टर मैडम से, उन्होंने कहा निगम अधिकारी को कि इस पे तुरंत निर्माण कार्य रोका जाए। इसी आवेदन को लेकर के हम लोग आए थे। और दूसरी बात, जो उस ज़मीन का मुख्य मालिक था पहले चरण सिंह, उनकी डेथ होने के बाद उनके बच्चों ने उस ज़मीन को बेच दिया, ये धोखाधड़ी हुई है। अगले कदम में हम लोग इसकी जो क्रिमिनल कंप्लेन है वो थाने में डालेंगे। न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।